हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईडी ऑडियो क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपको जो ब्रिज कोर्स की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक प्रोवाइड की गई है सेशन 2022-23 के लिए, उसमें हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम यूनिट वाइज आपको एक्टिविटी और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूनिट 8 जो आपका लेट स्टे क्लीन एंड हेल्थी है, उसकी हम एक्टिविटी 7 और 8 आपके साथ करेंगे आज। तो हम बिना किसी देरी के एक्टिविटी 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इस ये जो एक्टिविटी 7 है, इसमें हमें जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए वर्ब के फॉर्म को फिलअप करना है। तो मैं आपको वर्ब के फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बता दूं, क्योंकि इसमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर डन आपके लिए बना के लिखा गया है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल के साथ क्या आएगा? विल के साथ आएगा, नहीं शैल का याद रख लोगे तो विल अपने आप बन जाएगा। शैल के साथ लगेगा आई और वी के साथ। ठीक है, किस साथ लगेगा? आई और वी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम जनरली अभी नए रूल्स में तो विल का उपयोग ही करने लगे हैं, बट आई और वी के साथ सेल का लगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती। देखो, गो की फर्स्ट फॉर्म आई और इसने विल का उपयोग कर लिया। जहाँ वी आया वहाँ सेल लग गया और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। उसी प्रकार विल, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, विल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वी आया तो सेल लग गया और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का उपयोग हुआ था, उसी के आधार पर ही फिलअप करना था, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म या विल या सेल का उपयोग करना। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ओके, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस का फार्मूला है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 8 में आपको स्लोगन्स लिखना है 2 या 3, जिससे यह पता चलता हो, मतलब जो क्लीननेस है ना, स्वच्छता अभियान, उससे रिलेटेड आपको हिंदी में जो आपकी मदर टंग है या इंग्लिश किसी में भी लिखना है। मैं आपको एक दो बोल के सुनाता हूँ। हिंदी में यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, गांधी जी के सपने को साकार करना है, स्वच्छ भारत के उनके सपने में रंग भरना है। या इसको इसकी जगह हम दूसरे की बात करें, हर नागरिक का हो ये सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। ठीक है, उसी प्रकार हम और एक बना सकते हैं, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है भारत अपना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम बात करें इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में यदि हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, एवरी इंडियन मस्ट बी अवेयर एंड स्टार्ट फॉर क्लीनिंग एवरीवेयर। ओके, इस तरीके से आप ढूंढ के लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट वाले में हमें कुछ नहीं करना है। यूनिट 8 में जितनी भी मीनिंग थी, वर्ड मीनिंग, उनके जितनी भी वर्ड मीनिंग आई थी उनको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे क्लीन, क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ या स्वच्छ। हेल्थी, हेल्थी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। गार्बेज, कूड़ा कचरा। रिड्यूस यानी कम करना। सराउंडिंग यानी आसपास। टेल यानी लंबा। करस्पोंडेंट यानी संवाददाता। और यदि हम आगे की तरफ बढ़ें तो आगे और भी हमें वर्ड मीनिंग दी गई है, जैसे माउंटेन, माउंटेन यानी पर्वत। डर्टी यानी गंदा। डैमेज यानी क्षति। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आज हमारी एक्टिविटी जो थी, या यूनिट 8 हम बोल सकते हैं, वो कंप्लीट होती है। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, यूनिट 9 के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। ओके।